नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारी एक और नई कार की इंटरेस्टिंग वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। आज की इस वीडियो में हम जिस कार का कंप्लीट वॉकराउंड करेंगे दोस्तों, वो है आपकी इंडिया सेफेस्ट हैचबैक टाटा एल्ट्रोस CNG। एंड अगर वेरिएंट की बात करें तो XZ+S CNG वाला वेरियंट अभी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। एंड इसकी अगर एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 9.99 लाख रुपीज, ऑन रोड प्राइस जाएगी आपकी 11.30 लाख रुपीज तक, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। एंड ऑन रोड प्राइस दोस्तों आपकी वैरी भी कर सकती है। टाटा एल्ट्रोस की दोस्तों अगर हम बात करें, एक्स शोरूम जो स्टार्ट होता है वो होता है 8.80 लाख से, एंड इसका टॉप मॉडल जाता है 10.54 लाख रुपीज तक। दोस्तों टाटा एल्ट्रोस आपको तीन इंजन ऑप्शन के साथ देखने को मिल जाती है, पेट्रोल, डीजल एंड CNG। एंड इस पेट्रोल में भी आपको टर्बो चार्ज इंजन भी देखने को मिल जाता है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम करने वाले हैं टाटा एल्ट्रोस का कंप्लीट वॉकराउंड, एंड जानेंगे 11.5 लाख रुपये खर्च करने के बाद आपको दोस्तों इस गाड़ी में क्या क्या फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और नई कार की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। दोस्तों अगर बात करें इस गाड़ी की फ्रंट फेशिया की, तो आप देख लीजिए आपको कितना ही शानदार सा इसमें फ्रंट मिलने वाला है, एंड काफ़ी एग्रेसिव लुक भी आपको इसमें मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं इसके फ्रंट में आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ देख लीजिए आपको भी टाटा का लोगो, ग्रिल आपको दोस्तों पियानो ब्लैक फिनिश में, बाकी आपको क्रोम के इंसर्ट्स मिलने वाले हैं। एंड ये है आपका मेन लाइट सेटअप। लाइट सेटअप की बात करें तो आपको एक प्रोजेक्टर, दूसरा आपका नॉर्मल हैलोजन बल्ब के साथ मिल जाता है। एंड इंडिकेटर आपको दोस्तों मिलता है टर्न इंडिकेटर, जो कि आपका रहता है हैलोजन बेस्ड। नीचे फॉग लैम्प की बात करें, वो भी आपको मिल जाता है सेम हैलोजन बेस्ड। ये आपके रहते हैं DRLs वगैरह। एंड फ्रंट में बात करें, पार्किंग सेंसर कुछ नहीं मिलता है, बाकी लोअर स्किड प्लेट या ग्रिल कर लीजिए जिस टाइप से मिलती है, बाकी ग्राउंड क्लियरेंस आपका 165 mm का इसमें आपको कंपनी ऑफर करती है। इधर आते हैं इसके विंड ग्लास पे, तो आपको देख लीजिए इसमें आपको फ्रेमलेस वाइपर प्लस आपको ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर मिलने वाले। एंड ये दोस्तों आपका रहता है CNG वेरिएंट। एंड अगर लेंथ की बात करें तो 3990 mm की इसमें आपको लेंथ मिलने वाली है, जो कि दोस्तों सब 4 मीटर कैटेगरी में आती है। अगर इसका टायर साइज की बात करें फ्रंट में, जो आपको कंपनी ऑफर करती है वो है आपका 185/60R16 का। एंड इसमें आपको डिस्प्ले प्लस आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स ड्यूल टोन के मिलने वाले हैं, साथ में ही ट्यूबलेस टायर। बाकी साइड फेंडर में आपको टर्न इंडिकेटर मिलता है, चाहे आप इसका बेस मॉडल लें चाहे आपका टॉप मॉडल, इसमें आपको साइड फेंडर में टर्न इंडिकेटर मिलने वाला है। ये आपके दोस्तों मिरर, जो कि आपका रहता है ब्लैक यानी ग्लॉसी ब्लैक में। एंड अगर बात करें आपके रहते हैं ऑटो फोल्डेबल प्लस आपका रहता है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। ऊपर रूफ में बात करें तो आपको देख लीजिए सनरूफ भी मिलने वाली है। गाड़ी का कलर बहुत ही शानदार है, एंड इस कलर का नाम है ओपेरा ब्लू जहाँ तक मुझे पता है। पीछे वाले टायर की बात करें तो नॉर्मल आपको कंपनी ड्रम ब्रेक ऑफर करने वाली है। यह है गाड़ी की बैक प्लस साइड लुक। एंड फ्यूल लीड बात करें, देख लीजिए आपका CNG वेरिएंट है, ये आपका CNG फिलिंग नॉब प्लस पेट्रोल, एंड दोस्तों E20 पेट्रोल आपका सपोर्ट करता है। अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 37 लीटर की इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलने वाली है। एंड बैक प्रोफाइल आपके सामने जो दिखने में काफ़ी शानदार लगता है, एंड स्पोर्टियर आपको मिलने वाला है। बाकी बात करें क्या क्या चेंज मिलते हैं आपको, टाटा का लोगो मिलने वाला है, एल्ट्रोस की बैजिंग, इधर आपको दोस्तों कैमरे की प्लेसमेंट भी मिलने वाली है, बाकी वाइपर मिलता है, डिफॉगर मिलता है, हाई स्टॉप माउंट लाइट, छोटे छोटे दो आपको स्पॉइलर प्लस सार्फिन एंटीना, बाकी टेल लाइट सेक्शन काफ़ी शानदार इसमें आपको मिलने वाला है, जो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। एंड CNG की बैजिंग मिलने वाली है, दो पार्किंग सेंसर प्लस रिफ्लेक्टर की बात करें तो दो रिफ्लेक्टर आपको इस मॉडल में मिलने वाले हैं। अगर इसका स्टेपनी व्हील की बात करें तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं इसका आपको स्टेपनी व्हील देखने को मिलने वाला है। बात करें अगर इसके बूट स्पेस के ओपन करने के लिए, तो उसके नीचे बटन दिया गया है रिक्वेस्ट सेंसर, जस्ट प्रेस कीजिए कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा। बाकी ये आपका ग्रैब हैंडल। एंड डोर पैनल की बात करें या इसका प्लास्टिक की बात करें, ब्लैक कलर की मिलती है, साथ में यहाँ देख लीजिए आपको जो मिलता है पार्सल ट्रे, वो आपको ठीक ठाक साइज़ की मिलती है। दोस्तों ये है आपका इसका बूट स्पेस, एंड 210 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस मिलने वाला है, यानी सब 4 मीटर की गाड़ी। एंड बूट स्पेस की बात करें 210 लीटर बहुत होता है, प्लस ये आपकी CNG जिसमें आपको ट्विन सिलेंडर देखने को मिलने वाला है, यानी सेफ्टी के साथ साथ प्लस इसमें आपको माइलेज एंड बूट स्पेस भी अब मिलने वाला है। तो बात करें अगर इसके CNG सिलेंडर की, तो चलिए वो तो बाद में बात करेंगे। यहाँ देख लीजिए आपको लाइट्स वगैरह मिल जाते हैं, 3 kg का हुक मिलने वाला है, दूसरी साइड भी आपको 3 kg का हुक। अब बात करें अगर इसके CNG सिलेंडर की, तो आप देख सकते हैं ये है इसका CNG सिलेंडर, जो कि आपके 2 CNG सिलेंडर हैं दोस्तों। एंड 60 लीटर के CNG सिलेंडर आपको मिल जाते हैं टाटा एल्ट्रोस में। बात करें इसमें कैपेसिटी यानी कितने इसमें एक टाइम में आप गैस भर सकते हैं, तो 8 से 10 किलो मेरे हिसाब से तो गैस इजली एक बार में रिफ़िल हो जाएगी। दोस्तों क्या लगता है आपको, जो इसका बूट स्पेस सफिशिएंट है कि नहीं, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए बंद करते हैं इसको। ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है की लगाने की स्पेस, एंड डोर पैनल आपके सामने है,
काफ़ी वाइड ओपन होता है दोस्तों, डोर आप देख लीजिए काफ़ी वाइड सा ओपन हो जाता है एंड मेरे हिसाब से तो करीब 90 डिग्री का करीब ओपन हो जाता है। एंड ये आपका डोर पैनल जो कि आपके बेज एंड ब्लैक कलर का है, काफ़ी शानदार लग रहा है। टोटल हार्ड प्लास्टिक का यूज़ है, ये आपका फैब्रिकेट यूज़ किया गया है। यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, मिरर सेट करने के कंट्रोल, चाइल्ड लॉक, डोर ओपनर, ट्विटर, प्लस नीचे आपको बोतल स्पेस भी यहाँ देखने को मिलता है। साथ में स्पीकर की प्लेसमेंट भी आपको देखने को मिलने वाली है। सीट हाइट की बात करें इस वेरिएंट में तो मैन्युअली आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट देखने को मिलता है, प्लस आपको फैब्रिकेट सीट मिलने वाली है, कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। यह रहेगा आपका दोस्तों मैनुअल वेरिएंट, डैड पेडल, थोड़ा सा स्पेस। यहाँ की बात करें तो इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन एंड फॉग लैम्प चालू बंद करने के लिए, प्लस यहाँ पर आपको CNG का बटन दिया गया है एंड डोर लॉक अनलॉक करने के लिए। ये आपके AC वेंट की प्लेसमेंट एंड ये वाला आपका सिल्वर सटन फिनिश का लुक दिया गया है, काफ़ी शानदार लगता है। बाकी आपका हार्ड प्लास्टिक का यूज़ मिलने वाला है। अब दोस्तों चलते हैं हम गाड़ी के अंदर एंड वहीं बैठ के बात करते हैं कि आपका और क्या क्या फीचर इस गाड़ी में मिलने वाले हैं। सो ऐसा आपको कुछ इंटीरियर मिलने वाला है जो कि बहुत ही शानदार है एंड आपको ड्यूअल टोन में मिलेगा, बेज एंड ब्लैक कलर। एंड पर्सनली दोस्तों जो मुझे सबसे अच्छा लगा है वो ये वाला पार्ट लगा है, आप देख लीजिए सिल्वर सटन फिनिश में आपको मिलने वाला काफ़ी मतलब बेहतरीन सा आपको फील मिलने वाला है प्रीमियम गाड़ी का। बाकी बात करें आपको क्या क्या मिलता है, स्टीयरिंग व्हील की बात करें नीचे से आपको फ्लैट बॉटम प्लस आपको लेदरेट स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है। लेफ्ट साइड की बात करें वॉल्यूम कंट्रोल्स, कॉल कार्ड, कॉल पिकअप, वॉइस कमांड का ऑप्शन मिलने वाला है एंड हॉर्न की प्लेसमेंट यहाँ मिलती है एंड हॉर्न कुछ इस टाइप से। बाकी राइट साइड की बात करें कोई भी कंट्रोल्स नहीं मिलते। स्टीयरिंग की बात करें तो आपको सिर्फ टिल्ट देखने को मिलता है एंड टेलीस्कोपिक इसमें आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। यहाँ की तरफ ये आपके लाइट्स कंट्रोल ऑटोमेटिक, प्लस आपको यहाँ करें वाइपर कंट्रोल वो भी आपको ऑटोमेटिक मिलने वाले हैं एंड डिजिटल्स में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है जो कि आपका सेम है टियागो से लेकर सारे मॉडल में। ऊपर आपका हार्ड प्लास्टिक का यूज़ मिल जाता है। बाकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें 7 इंच की जो कि आपका सपोर्ट करेगी 110 वाट एप्पल कारप्ले, बीच में आपको हजार्ड का ऑप्शन है एंड ये आपके AC वेंट की प्लेसमेंट, एल्ट्रोस की बैजिंग आपको यहाँ मिलने वाली। बाकी पूरा आपका टेक्सचर्ड पार्ट, ऑटोमेटिक AC, साथ में यहाँ बात करें देख लीजिए 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आपको फास्ट एक सी टाइप का चार्जिंग पोर्ट प्लस USB एंड वायरलेस मोबाइल चार्जर आपको कंपनी ऑफर करने वाली है। यह रहेगा आपका 5-स्पीड मैनुअल वेरियंट। बाकी बात करें 2 कप ग्लास होल्डर, आर्मरेस्ट आपको मिलता है दोस्तों फैब्रिकेट एंड ये आपका रहता है स्लाइडेबल आर्मरेस्ट, ओपन करेंगे थोड़ा सा स्पेस आपको मिलने वाला है। साथ में आपको मिलता है मैनुअल हैंड ब्रेक एंड सीट में आपको बता ही चुका हूँ आपको फैब्रिकेट सीट मिलने वाली है, कुशनिंग वुशनिंग काफ़ी अच्छी है। और बात करें दोस्तों इस गाड़ी की तो देख लीजिए कुछ स्टेप की इसमें आपको की मिलने वाली है जो कि आपके दोनों स्मार्ट की है। इसमें आपको लॉक अनलॉक एंड लाइट चालू करना प्लस बूट ओपन करने के बटन वगैरह दिए गए हैं। साथ में अभी आप देख सकते हैं काफ़ी आपका जो बेज कलर का मतलब पार्ट दिया गया है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से मैच कर रहा है इस पूरे पार्ट को, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे नीचे 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 यहाँ तक मैच कर रहा है। एंड अगर इसके ग्लव बॉक्स की बात करें तो देख लीजिए सॉफ्ट ग्लव बॉक्स, अंदर लाइट दी गई है, काफ़ी बढ़िया आपका स्पेस में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको कप ग्लास होल्डर 2 मिल जाते हैं प्लस डायरी रखने का स्पेस वगैरह आपको दिया गया है। और बात करें मिरर की तो आपको मिल जाते हैं ऑटोमेटिक मिरर। बाकी यहाँ आपको मिलते हैं रीडिंग लैंप्स जो कि आपकी वाइट कलर की हैं एंड आपको यहाँ पर पूरा सिस्टम वगैरह दिया गया, माइक वगैरह। सनवाइजर की बात करें क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर मिलता है, लाइट नहीं मिलती। अब इसमें आपको देख लीजिए एल्ट्रोस में भी, एल्ट्रोस के टॉप मॉडल में आपको सनरूफ मिलती है, ओपन दोस्तों कुछ इस टाइप से होती है एंड बंद भी आप कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से सनरूफ वर्क भी करती है। बस तो दोस्तों यही सब कुछ आपको इसका इंटीरियर में मिलने वाला है एंड अब हम जाएंगे इसकी बैक वाली सीट पर, वहाँ बैठ के बात करेंगे कि आपको वहाँ क्या क्या चीज़ वगैरह देखने को मिलने वाली है। सो दोस्तों अभी हम पीछे वाली सीट पर बैठ चुके हैं एंड पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसका नी रूम ठीक ठाक से आपको मिल जाता है। थाई सपोर्ट भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है, मतलब बेकार भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है, नॉर्मल से आपको थाई सपोर्ट मिलने वाला है। बाकी यहाँ आपको मैगजीन होल्डर मिलने वाला है, AC वेंट की प्लेसमेंट प्लस एक USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है फास्ट वाला। एंड बाकी बात करें रूफ की तो आप देख लीजिए सनरूफ मिलता है, रीडिंग लैंप्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलने वाले, ग्रैब हैंडल आपको मिल जाते हैं सॉफ्ट वाले। एंड अगर डोर पैनल की बात करें तो आपको बेज एंड ब्लैक कलर का, बाकी पावर विंडो कंट्रोल, स्पीकर, बोतल स्पेस एंड ट्विटर, यही सब कुछ आपको मिलने वाला है इसके डोर पैनल में। अब सीट की बात करते हैं तो आपको 60-40 में स्प्लिट सीट मिलने वाली है एंड बीच में आर्मरेस्ट मिलता है विद 2 कप ग्लास होल्डर, 2 हेडरेस्ट मिलते हैं जो कि आपके एडजस्टेबल हैं, पीछे आपको मिल जाती है दोस्तों पार्सल ट्रे। सीट की बात करें तो 2 सीट मिलती हैं, इसमें आपको आइसोफिक चाइल्ड माउंट सीट भी देखने को मिलने वाला है एंड काफ़ी अच्छा इसमें आपको दोस्तों इंटीरियर मिलने वाला है। सो आपको दोस्तों कैसा लगा इसका इंटीरियर प्लीज़ दोस्तों कमेंट आप कर सकते हैं। टाटा एल्ट्रोस में यानी टॉप मॉडल XM प्लस में आपको जो इंजन मिलता है CNG में दोस्तों वो देख लीजिए, आपको कुछ स्टेप से मिलता है इंजन एंड इंजन भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। बाकी इंजन की बात करें 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रैबिट्रॉन पेट्रोल इंजन है एंड पावर फिगर की बात करें 72 BHP एंड 103 Nm का टॉर्क ये गाड़ी आपको प्रोड्यूस करके देने वाली है। बोनट की बात करें तो आपको इसमें इंसुलेशन देखने को मिल जाता है
एंड अगर इसके माइलेज की बात करें सीएनजी में तो 25-26 का कंपनी दोस्तों माइलेज क्लेम करती है। सो दोस्तों ये था आपका कंप्लीट बैकग्राउंड ऑफ टाटा एल्टोस एक्जेड प्लस एस यानी सनरूफ वाली। एंड अगर इसकी ऑनरोड प्राइस की बात करें तो अराउंड 11,30,000 की आपको पड़ जाती है। सो आपको पता चल गया होगा दोस्तों यानी 11,30,000 रुपये इस गाड़ी में लगाने के बाद आपको इस गाड़ी में क्या क्या फीचर वगैरह देखने को मिल जाते हैं एंड ये गाड़ी उस प्राइस पॉइंट पे वर्थ है कि नहीं, ये दोस्तों आप डिसाइड कर सकते हैं। वीडियो देखी होगी आपने अगर तो आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। सो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड जुड़े रहे हमारे साथ ऐसी और नई इंटरेस्टिंग कार की वीडियो के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।